नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आर्य जोधो आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अपडेट हिंदी भाषा की ओर। आज की पहली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। 20 श्रीनगर मई में तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत 22 से 24 मई 2023 के बीच श्रीनगर में अपनी तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। तौर पर यूटी प्रशासन G20 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक गैर मंत्री स्तरीय सदस्यों की मेजबानी करने की उम्मीद कर रहा है। पर्यटन हितधारकों की यह बैठक जम्मू कश्मीर के पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। G20 बैठकों की मेजबानी का मुख्य स्थल शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है, जो डल झील के तट पर स्थित है। आयोजन स्थल को 7.5 करोड़ रुपए का मेकओवर दिया जा रहा है। अगली अपडेट है सम्मेलन के बारे में। G20 विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। G20 विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक, जिसमें सदस्य और आमंत्रित देशों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 10 अप्रैल को केरल के कोट्टायम में संपन्न हुई। भारत के GWG सह अध्यक्ष, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नागराज और नायडू और एनम गंभीर ने संवाददाताओं को बताया कि कुमार कोम के 6 से 9 अप्रैल तक हुई DWG की बैठक में सतत विकास लक्ष्यों, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, हरित बदलाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति में तेजी लाने में G20 की भूमिका पर चर्चा की गई। अगली अपडेट है राज्यों के बारे में। बनारसी पान 3 अन्य वाराणसी उत्पादों को GI टैग मिला। प्रसिद्ध बनारसी पान को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग मिला है। यह टैग इंगित करता है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान के उत्पादों में ऐसी विशेषताएं होती है जो उस स्थान के लिए अद्वितीय है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित GI विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत ने कहा कि बनारसी पान के अलावा वाराणसी के 3 अन्य उत्पादनों बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भांडा बैंगन, आदम चीनी चावल को भी GI टैग मिला है। इस विकास के साथ काशी क्षेत्र अब 22 GI टैग उत्पादों का दावा करता है। इससे पहले काशी और पूर्वांचल क्षेत्र में 18 GI उत्पाद थे। अगली अपडेट है विविधता के बारे में। भारत ने TB के मामलों का आकलन करने के लिए देश स्तरीय मॉडल विकसित किया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसमें तपेदिक यानी TB के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए एक देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित किया है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल का उपयोग करते हुए भारत के लिए TB की घटना और मृत्यु दर अनुमान डेटा हर साल मार्च तक उपलब्ध होगा। अक्टूबर में वार्षिक WHO अनुमान जारी होने से महीने पहले उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में राज्य स्तर पर भी इसी तरह के अनुमान तैयार कर सकता है। WHO के अनुमानों के अनुसार 2021 में भारत में TB की दर 210 थी। अगली अपडेट रैंक के बारे में। फोर्स अरबपति 2023 सूची मुकेश अंबानी रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑनर्स में शीर्ष पर रहे। फोर्स अरबपति 2023 की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान हासिल करने के लिए अलावा मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के मालिक मुकेश अंबानी फोर्स अरबपति 2023 की सूची में सभी के सबसे अमीर खेल मालिक भी बन गए हैं। अंबानी ने लॉस एंजलिस क्लिपर्स के मालिक स्टीव बॉलमर से शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि अंबानी के समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी पिछले एक साल में 3% गिर गई, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों जितनी नहीं, जहां बॉलमर 2000 से 2014 तक CEO थे। रिलायंस ने हाल ही में उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग में एक फ्रेंचाइजी खरीदी और दक्षिण अफ्रीका और UAE में क्रिकेट टीमों के मालिक है। अगली अपडेट है विविधता के बारे में। कॉमनवेल्थ चैंपियन वेटलिफ्टर संजीता चानू पर नाडा ने लगाया 4 साल का बैन। 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन और भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू को भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने प्रतिबंधित दवाओं के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगाया था। चानू का सितंबर अक्टूबर में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों 2022 के दौरान परीक्षण किया गया था और उनके परीक्षण में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित नाबालिग एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड एस्ट्राडियोल के लिए सकारात्मक पाया गया था। नाडा ने भारतीय भारोत्तोलक को उसके नमूने एकत्र करने की तारीख से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था और उसकी सजा की पूरी अवधि की घोषणा की। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। DBS बैंक इंडिया के डिजी पोर्टफोलियो लॉन्च किया गया। DBS बैंक इंडिया के निवेशक जो जोखिम क्षमता के आधार पर एक निवेश समाधान लॉन्च किया है, डिजी पोर्टफोलियो नामक इस फीचर को मॉर्निंग स्टार द्वारा क्यूरेट किया गया है और इसमें निवेशकों की जोखिम प्राथमिकताओं में से मेल खाने वाले निवेश विकल्पों का एक सेट बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और मानव विशेषज्ञता का उपयोग किया गया है। डिजी पोर्टफोलियो निवेशक को 10,000 रुपये के न्यूनतम निवेश से शुरू होकर 50,000 रुपये तक की 2 योजनाओं के साथ तत्काल पहुंच प्रदान करता है। इन योजनाओं में मॉर्निंग स्टार द्वारा संचालित पोर्टफोलियो निर्माण,
निगरानी और पुनर्संतुलन सेवाओं जैसी विशेषताएं शामिल है। अगली अपडेट धोनी के बारे में। धोनी युवराज को MMC की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया जाएगा। इंग्लैंड के प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के मालिक प्रतिष्ठित मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने अपने उन नए सदस्यों के नामों का खुलासा किया है जिन्हें क्लब ने मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। क्रिकेट के खेल के नियमों को तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित यह ऐतिहासिक क्लब खेलों में योगदान देने वाले बेहतरीन पुरुषों और महिलाओं को मानद सदस्यता देता है। सदस्यों की सूची में भारत से 5 नाम हैं। महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश नैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। भारत का 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता बनने के लिए तैयार। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और GMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की एक नई संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 3 वर्षों में 110 GW फोटोवोल्टिक मॉड्यूल क्षमता ऑनलाइन आने के साथ भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा PV विनिर्माण देश होगा। IEEFA के निदेशक दक्षिण एशिया विभूति गर्ग ने कहा कि भारत के 2 से 3 साल के आत्मनिर्भरता हासिल करने के बाद अगला कदम वैश्विक PV मॉड्यूल बाजार में गुणवत्ता और पैमानों दोनों में प्रभुत्व के लिए चुनौती देना और प्रतिस्पर्धा करना होना चाहिए। अगली अपडेट पुरस्कार के बारे में। यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमिर जेलेंस्की को सुरक्षा, लचीलापन और मानवाधिकारों रक्षा के लिए उनकी सेवाओं के लिए पोलैंड के सर्वोच्च गौरव ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड गणराज्य का सबसे पुराना और उच्चतम सम्मान है। पोलैंड गणराज्य का राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार जेलेंस्की को पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को गहरा करने में उनकी योग्यता, सुरक्षा के लिए उनकी गतिविधियता और मानवाधिकारों की रक्षा में उनकी दृढ़ता के लिए पुरस्कार मिला है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजी उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।